guys, welcome back to my channel. This is Sukmani Garsodhi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज़? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे. तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो इस टॉपिक पे होने वाली है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए. आप अगर नो कॉन्टैक्ट में हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, जो भी आप दोनों की सिचुएशन है आपकी रिलेशनशिप में, तो वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं इस रिश्ते के लिए, वो हम चेक करने की कोशिश करेंगे गाइस. और यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या उनके मन में चल रहा है आपके लिए. हम कुछ गाइडेंस मैसेजेस भी पिक करेंगे इस रिलेशनशिप के लिए कि क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं. सबसे पहले हम उनकी करंट फीलिंग जानने की कोशिश करेंगे गाइज. अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल का पार्ट बनें, इस हमारी प्यारी से फैमिली का पार्ट बनें. चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आएगी, तो शेयर करें गाइज. इस वीडियो को आपने वायरल करना है, इस वीडियो को आपने बहुत लोगों के पास पहुँचाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी फैमिली में जुड़ सकें, हमारी फैमिली का पार्ट बन सकें और उसका सारा क्रेडिट आप ही को जाएगा. ओके एंड गाइज, कॉमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसे लगी है. अपना प्यार ज़रूर शेयर करिएगा, अपनी फीलिंग्स इमोशंस इस रीडिंग के लिए या मेरे लिए या अपने आपकी लाइफ की सिचुएशन ज़रूर मुझे बताइएगा. ओके ओके, तो गाइज रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं. आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन जो है उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, अभी वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, रिलेशनशिप के लिए कैसा महसूस कर रहे हैं. सबसे पहला कार्ड हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, द सन, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स. ब्यूटिफुल. एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स. ओके, बॉटम ऑफ द डेक द स्टार. ओके गाइस, तो यहां पे पहले साइंस डिस्कस कर लेते हैं. मुझे यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस दिख रहा है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एनर्जी भी यहाँ पर है. ओके, मुझे गाइस करंट फीलिंग्स उनकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी. सबसे पहले तो गाइज, ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, आपके बीच में मैग्नेटिक अट्रैक्शन है जैसे मुझे ऐसा फील होता है गाइज, और इमोशनली जैसे आपसे बहुत ये पर्सन जुड़े हुए हैं, प्यार ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा करते हैं. यहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत कार्ड होता है एक लव रीडिंग के अंदर, वो यहाँ पर टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है गाइज. और ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा इनको प्यार आ रहा है आप पे, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपके साथ बैठ कर जैसे तारों की छाँव के नीचे बैठ कर आपके साथ एक रोमांटिक डेट करना चाहते हैं, आपके साथ बातें करना चाहते हो, आपके साथ बस सिर्फ आप ही को देखना चाहते हो. जिस तरीके की वो जो रोमांटिक डेट्स होती है ना, जो कि हर एक लड़की चाहती है अपनी लाइफ में, हर एक लड़का चाहता है, उसी तरीके की एक रोमांटिक डेट ही आपके साथ करने के बारे में सोच रहे हैं. बहुत पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है ये आपको लेकर. और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि अफेक्शनेट, बहुत ज़्यादा ये पर्सन बहुत अफेक्शनेट हैं, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, कंसर्न है ये आपको लेकर. और गाइज एक बैलेंस बनाने की कोशिश ये कर रहे हैं, चीज़ें बैलेंस होती भी मुझे दिख रही हैं. थोड़ा डिले से होगा क्योंकि ये सब फेजेस से आप जाएंगे तब यहाँ पे इस फेज पे आएंगे, और फिर एंड में आपकी जो है रिश्ते की एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है. ये सब वॉन्ट गाइज, ये एक्शन लेना चाहते हैं, वो एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत स्ट्रांग एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं. और रोज़ इनके मन में ख्याल आता है जैसे कि अब ये कुछ इनको करना चाहिए, तो अब ये इस पॉइंट पर आने ही वाले हैं जब ये एक एक्शन लेंगे और आगे बढ़ते हुए. बहुत पैशनेट हैं ये आपके लिए, बहुत एनर्जी है आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर,
अदर, और ये अब कुछ ना करने के माइंडसेट से आगे बढ़ना चाहते हैं, ना कि सोचते हुए, ये अब बिल्कुल कुछ करना चाहते हैं और आगे कुछ टाइम में, आने वाले टाइम में कुछ करेंगे भी। उनकी फीलिंग्स यही जो है मुझे यहाँ पर दिख रही हैं गाइज। मैरिज रिलेटेड बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोच रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, चैप्टर को एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाइज एक नहीं दो दो चीज़ें, दो दो कार्ड्स ऐसे आए हैं जो कि एक नई एनर्जी को मुझे दिखा रहा है। यहाँ पे एस ऑफ वंड भी एक नई एनर्जी को, एक नई स्टार्ट को दिखा रहा है। यहाँ पे द सन, ठीक है, जिस तरीके से सूरज उगता है एक रोज़, एक नई शुरुआत होती है, उसी तरीके से ये पर्सन एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। हर तरीके से आपके साथ ये कोशिश करेंगे अब रहने की, और शादी को लेकर भी ये पर्सन सोच रहे हैं। या तो आप ऑलरेडी, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रही हैं, आप खुद मैरिड हैं, या फिर ये पर्सन जो है आपसे मैरिज रिलेटेड चीज़ों के बारे में, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के बारे में ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। फिज़िकली ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे, अगर मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको, आपकी बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोचते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोचते हैं। फिज़िकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, फिज़िकल अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है गाइज़ कि ये पर्सन आज भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार है इनके मन में, बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक चार्म है आप दोनों के अंदर, ठीक है, इस रिलेशनशिप के अंदर, और ये भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं आपसे, जैसे मैंने आपको बताया। अलग होने के बारे में ये पर्सन सोच नहीं पाते हैं, अगर जब भी सोचते भी हैं इनकेस, तो ये इनके माइंड में आता है कि जैसे आपसे अलग नहीं हो सकते, कि ये रिश्ता अटूट है। ये सोलमेट कनेक्शन के बारे में भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इमोशनली आप भी इनसे बहुत जुड़े हुए हैं, और उतने ही ये जुड़े हुए हैं आपसे। आप देखें, एक बैलेंस है दोनों तरफ से ही, ऐसा नहीं है मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आप ही की तरफ से सब कुछ है, इनकी तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़रूर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता हो, ठीक है, ये पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हों, क्योंकि यहाँ पे फोर ऑफ कप्स और यहाँ पे फाइव ऑफ सोल्स की एनर्जी आई है, तो ज़रूर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इश्यूज हों, प्रॉब्लम्स हों, या लड़ाई झगड़ा हो जाता हो। कभी कभी ये पर्सन बहुत एरोगेंट इग्नोरेंट बिहेव करते हैं, बट ये पर्सन जेन्युइनली आपके साथ बहुत प्यार करते हैं, और ये बहुत इमोशनल है। जहाँ पे आपकी बात आती है वहाँ पे इनको लगता है कि शायद और कोई नहीं आ सकता आपके बीच में। मुझे ऐसा लगता है आपको किसी तरीके की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत नेगेटिव एनर्जी जैसे आपके रिलेशनशिप में आ जाती है, किसी ने भी आपको कुछ कह दिया हो तो आप बहुत लो फील करते हैं, या आपको कोई ऐसा कह दे कि आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, आप दोनों तो साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, बस उसी टाइम चीज़ें जो हैं जैसे ख़राब होने लगती हैं। आपको कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, कोई इविल आए जैसे आप पे, कोई नेगेटिव एनर्जी आप पे हो सकती है। ओके, ठीक है, यहाँ पे गाइज मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि पैशन आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा है, एनर्जी बहुत है एक दूसरे के लिए, फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, आप जैसे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये पर्सन भी बहुत सोच समझ रहे हैं, कुछ सोच समझ के एक डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये पर्सन आपसे छोटे हो सकते हैं, ये पर्सन ही आप दोनों के बीच में एज गैप मुझे दिख रहा है। ये पर्सन अब एफर्ट्स करने के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए हों, बट ये जहाँ पर भी छोड़कर गए हैं ये उधर भी खुश नहीं है। कोई फैमिली इशूज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ये अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर आपको इनसे फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, या फैमिली नहीं चाहती आप दोनों साथ में रहें। ऑलरेडी ये मैरिड हैं, तो उनकी मतलब उनकी वजह से भी आप दोनों के बीच में इशूज़ हों, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। बट ये पर्सन एफर्ट्स लेने के बारे में सोच रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये गाइज ये जो कार्ड है, ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है ये पर्सन जैसे मेहनत करना चाहते हैं। हम देख रहे हैं ये पर्सन कितनी शिद्दत से एक चीज़ को बना रहा है, ठीक है, वैसे ही ये पर्सन अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप में, मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, एफर्ट्स डालना चाहते हैं। आपको जो चीज़ें हर्ट करती हैं उस सब चीज़ों को हटाकर आपसे प्यार करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। ये पर्सन अपने दिलो जहाँ से सब चीज़ें लगाने के बारे में सोच रहे हैं गाइज। ये गाइज जो ये कार्ड है ना, ये इस मोड से जो है ना, मुझे लग रहा है कि ये बाहर निकलेंगे। ये एफर्ट्स तो कर रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको इमीडिएटली इस चीज़ का रिजल्ट देखने को मिलेगा। इट विल टेक सम टाइम, इसमें टाइम लग सकता है, बट डिले से होगा, बट ये पर्सन ज़रूर बदलेंगे और अपनी
जो फीलिंग्स हैं जैसे आप चाहते हैं वैसे ज़रूर रखेंगे। बट गाइज मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं हर पर्सन वैसा ही हो, ज़रूरी नहीं है जैसे हम प्यार सामने वाले से लेना चाहते हैं या जैसे हम प्यार करते हैं किसी को वो भी हमको वैसे ही प्यार करे। उसका प्यार करने का तरीका अलग हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो हमको प्यार ही नहीं करता है, ठीक है। उसका तरीका अलग है, हर एक पर्सन की एनर्जी डिफरेंट होती है, हर एक पर्सन की सिचुएशन डिफरेंट होती है। ज़रूरी नहीं होता है कि अगर वो हमारे तरीके से नहीं चल रहा तो वो सही तरीका नहीं है। सबका एंगल, सबका नज़रिया एक अलग होता है, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए और ऐसा नहीं सोचिए कि वो ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। उसके तरीके से भी थोड़ा सा सोच के देखें और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। और गाइज दूसरी चीज़ यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगी कि कंप्लेंट्स हमको नहीं करनी चाहिए। अगर हम जितनी ज़्यादा कंप्लेंट्स करते हैं अपने लाइफ में, हमारा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसे रह गया, तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, तो गाइज़ आप कंप्लेंट्स को ही अट्रैक्ट करेंगे। लाइफ में आपको ग्रेटफुल होना ही पड़ेगा, ग्रैटिट्यूड दिखाना ही पड़ेगा। आपके लिए कोई छोटी चीज़ कर रहा है या बहुत बड़ी चीज़ कर रहा है, अगर आप उसको अप्रिशिएट करेंगे तो वो और ज़्यादा करेगा कल को। अगर आप कंप्लेंट्स करते रहेंगे तो वो इतना भी कर रहा है ना तो वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, वो बिल्कुल कुछ नहीं करेगा आपके लिए। तो हमको हमेशा ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए, थैंक्स बोलना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। और गाइज वो कुछ तो कर ही रहे हैं ना आपके लिए, चाहे वो कुछ भी हो, राइट। तो कंप्लेंट्स हमको, ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं बोल रही हूँ, किसी भी चीज़ के लिए हमें कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए लाइफ में। हमको जितना हम थैंकफुल होंगे उतना ही भगवान हमको देते रहेंगे और कई गुना ज़्यादा देंगे, राइट। तो अब हम ये देख लेते हैं आपकी क्या एनर्जी है गाइज, आप कैसा फील कर रहे हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, कुछ कार्ड्स आए हैं हमारे पास, क्वीन ऑफ कप्स, ओ दोनों का टेन ऑफ कप्स आया है, दोनों का तो नहीं आया, एक का ही आया, सॉरी। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है गाइज, तो ये कार्ड हमको ये दिखा रहा है कि आप उनके साथ फैमिली चाहते हैं और आपको भी कुछ फैमिली इश्यूज मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। आपको फैमिली से कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप इनसे कमिटमेंट चाहते हैं और ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या आप इनके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, इनके साथ रहना चाहते हैं हमेशा के लिए, आप इनसे एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट अटेंशन चाहते हैं कि ये मुझे इमोशनली पूरा सेटिस्फाई करें, जबकि मुझे लग रहा है शायद ये नहीं कर पा रहे हैं आपको इतना ज़्यादा सेटिस्फाई इमोशनली, तो उसकी वजह से हो सकता इश्यूज हो रहे हो। ओके, दूसरा कार्ड जजमेंट, आप इनसे रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, आप सारी प्रॉब्लम्स चाहते हैं खत्म हो जाएं और ये आपके साथ परमानेंटली आ जाएं। ये कार्ड रिकंसिलिएशन को दिखाता है, कम्युनिकेशन को दिखाता है, आप इससे बात करना चाह रहे हैं बहुत जोरों शोरों से। मुझे लग रहा है कि आपके मन में ये चीज़ हो रही है कि बात हो जाए, बात हो हमारी, अच्छे से बात हो, मेरे को टाइम दें, मेरे साथ कमिटमेंट दें, मेरे साथ वो सब चीज़ें करें जो मैं चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हैं इस पर्सन के लिए और इनसे आप इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, बहुत ज़्यादा गाइज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इमोशनली आप बहुत जैसे कि परेशान हैं और इनसे आपको वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन, आपको इमोशनल कोशेंट इनके साथ जो है थोड़ा सा वीक दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ईक्यू थोड़ा वीक दिख रहा है आप दोनों के बीच में। और आप इनसे ना इमोशनली वो सब कुछ चाहते हैं कि आपको इमोशनली सपोर्ट दें, प्यार करें, आपको आपकी केयर करें, आपके साथ रहें, आपको टाइम दें और आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लें, ये पर्सन आप ये चाहते हैं इनके लिए। ओके, और क्या है हमारे पास, तीन कार्ड्स आके आए थे, हो सकता है ये पर्सन कोई ऐसा इंसान है जिसकी वजह से, जिसको बीच में लेकर आकर ये जो ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है ना आपको, ये ट्रायंगल की तरह ही आपकी सिचुएशन हो गई है कि आप दोनों के बीच में जैसे कोई तीसरा पर्सन आ गया हो, राइट। तो वो आपको ना जैसे इसको दो करना है, आपने इस पर्सन को आपने हटाना है, जैसे कि आप दोनों ही रहें, आपकी वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, यहाँ पे गाइज बहुत ज़्यादा परेशान आप मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट मुझे आप दिख रहे हैं, एक ऐसी सिचुएशन में आप मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे कि आप बहुत कुछ सह चुके हो, जहाँ पे कि मे बी हो सकता है आपकी बातचीत बंद हो गई है, इस पर्सन ने आपको बहुत बड़ी बैक स्टैप किया है। आप देखें कैसे ये पर्सन नीचे लेटा हुआ है और उसके पीछे पीठ पे कितने खंजर घुसे हुए हैं, वैसे ही आपके साथ एक नहीं बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं जो आपने झेली हैं और अब आप थक चुके हैं और अब आप एक
चाहते हैं कि प्रॉब्लम से मैं मुक्त हो जाऊं जैसे, बट डोंट वरी गाइज, ये आपका एंड टाइम ही है ये प्रॉब्लम्स का, इसके बाद एक नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप में होने वाली है। ये कार्ड सिर्फ नेगेटिविटी ही नहीं दिखाता, ये कार्ड पॉजिटिव भी है, ये कंप्लीशन भी दिखाता है, डबल सेलिब्रेशन भी दिखाता है, एक प्रॉब्लम्स के बाद एक नई सुबह भी दिखाता है ये कार्ड, ठीक है। तो मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं और एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। जो टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ना गाइज, ये एक सर्कल कंप्लीट होने को भी दिखाता है। ओके, थ्री ऑफ कप्स गाइज, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे डेफिनेटली दिख रही है और आप इनके साथ रिकंसिलिएशन भी चाहते हैं, इनके साथ आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, जहाँ पे आप और ये सिर्फ दो लोगों और तीसरा कप ना हो, यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ आप टू ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, जैसे कि ये एनर्जी है, ये एनर्जी आप इनके साथ चाहते हैं, और यहाँ पे ये थ्री जो कप्स है ना ये आप नहीं चाहते, टू कप्स की एनर्जी आप इनके साथ चाहते हैं, जहाँ पे सिर्फ आप दोनों हो, जैसे ये दो पर्सन है और इन्हीं का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, और आपस में सिर्फ ये दोनों दूसरे को देखते देखते ही पूरा रात इन्होंने बिता दी, इसी तरीके की एनर्जी आप इनके साथ चाह रहे हैं। ओके, रिकंसिलिएशन और एक गेट टुगेदर आप इनके साथ चाहते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर द हर्मिट आया है गाइज, बहुत अकेलापन आपको फील हो रहा है इनके बिना, और आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, ये फेज आपके लिए बहुत जैसे कि एक एवोल्यूशन लेकर आएगा आपकी लाइफ के अंदर, इस रिलेशनशिप के अंदर मुझे लग रहा है कुछ वक्त में चीज़ें जैसे कंप्लीट होने वाली हैं आपकी लाइफ में ना, जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होकर एक सर्कल कंप्लीट होता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, अब गाइज हम यहाँ पे ये देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं कुछ एंजल्स से आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं। हार्ट अवेकनिंग ये कार्ड आया है गाइज आपका, Awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance, guys. यहाँ पर मुझे बहुत खूबसूरत बैलेंस होता हुआ भी दिख रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना जो इतने टाइम से आप ही कर रहे थे ना बार बार चीज़ें, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं। आपको भी अब थोड़ा सा समझना चाहिए कि सामने से क्या आ रहा है, अगर आप करते जाएंगे ना, मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत किया है इस रिश्ते के लिए, बहुत ही ज़्यादा किया है, और अगर आप करते ही रहेंगे ना ऐसे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको भी थोड़ा सा रुकना है, देखना है सामने वाला आपके लिए क्या कर रहा है, और उस हिसाब से आप आगे से अब दें, क्योंकि हमेशा देने से ही फॉर ग्रांटेड इंसान लेना शुरू कर देता है, और आप एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ पे आप अपने आप को हेट करने लगते हैं, राइट। तो बहुत करने के बाद अब आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको सामने वाले से भी कुछ लेने की उम्मीद होनी चाहिए, एज इन कि वो क्या कर रहा है, राइट। वो अगर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है और वो ही सिर्फ आपको यूज कर रहा है, तो आई थिंक आपको अब थोड़ा सा और रुकना चाहिए। दूसरा कार्ड, टीचर अवेकन्स, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। गाइज कुछ भी चीज़ें हो रही, सबसे पहले तो आपको अपनी इंटरनल एक जो इंट्यूशन है आपके अंदर, जो एक आपको बार बार एक आवाज़ आती है, एक इंटरनल वॉइस जो आपके अंदर बार बार कुछ बोलती है, आप वो सुने कि वो क्या कह रही है, आपको क्या अंदर से मैसेज मिल रहा है, आपका मन क्या कह रहा है। अगर आपको वो समझ में नहीं आता है, आप मेडिटेट करें 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आप मेडिटेशन करें, भगवान से आंसर्स मांगें, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। आपके अंदर की एक आवाज़ है, एक इनर कॉल आपको जो आ रही है उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, और कुछ भी आपको ना रोक नहीं सकता है, इसलिए आपने कुछ भी आपके रास्ते में आ जाए आपने रुकना नहीं है, आप आगे बढ़ते रहें और उस आवाज़ को सुने, कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज हो सकता है, राइट। ओके, अब यहाँ पर गाइज हम रोमांस एंजल से देखते हैं, रोमांस एंजल्स क्या बोल रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर रोमांस एंजल्स क्या बोल रहे हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर, आपको एक दूसरे से ऑनेस्टली डिस्कस करने की ज़रूरत है अपनी फीलिंग्स को। एंजल्स आपके साथ हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, बस आप अपनी मन की बात रखें। दूसरा कार्ड, रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग।
तो गाइज रोमांटिक फीलिंग्स जो भी मुझे ऐसा लग रहा है आगे जाके भी एक रोमांस एक स्पार्क आपके रिलेशनशिप में आने वाला है, सबसे पहले आपको हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन करने की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक फॉर गिविंग एंड लर्निंग आया है गाइज, यहाँ पर आपको कुछ पुरानी चीज़ों को रिलीज करने की ज़रूरत है, जो भी चीज़ें पहले पास्ट में हो गई हैं आपको हर्ट कर रही हैं उसको फॉरगिव करिए गाइज, सबसे बड़ी चीज़ होती है फॉरगिव करना। अगर आपने अपने मन से किसी को जाने दिया, फॉरगिव कर दिया, माफ़ कर दिया ना, आप सबसे पहले तो आपकी 70-80% प्रॉब्लम्स तो खुद ख़त्म हो जाएंगी और सामने वाले को ना आप अपने कर्मा पे छोड़ देंगे, राइट। फिर भगवान देखेंगे कि उनका क्या करना है और उससे सीखें, जो आपके साथ हुआ है उससे सीखें, अपने मन से लगा के अपने आप को हर्ट ना करते रहें रोज़ रोज़, बस सीखें फॉरगिव, उसे सीख के फॉरगिव कर दें और आगे बढ़ें। ओके, ये मैसेज आपके लिए आया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका लव डेक से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से। थोड़ा सा शफल कर लेते हैं। ओके, एक मैसेज आ गया। आई वेक अप, आई वॉन्ट टू वेक अप बिसाइड यू एवरी डे। ये आपके साथ रोज जैसे उठना चाहते हैं। ये भी आपने ऐसे कोई ड्रीम्स देखे हों साथ में, मुझे ऐसा लग रहा है। आई विल फाइट टिल द एंड, ये एंड तक लड़ना चाहते हैं। आई फील यू फाइट टू मच एंड डोंट गिव मी स्पेस। मे भी हो सकता है कि आप दोनों की लड़ाई बहुत ज़्यादा होती हो या फिर आप इनको स्पेस नहीं देते हैं, ऐसा इनको फील होता है। कभी कभी आप इनको बहुत कंट्रोल करते हैं, ये आपको बोलते भी हों ऐसी बात। I left when I saw you with someone else. इन्होंने जब आपको किसी और के साथ देखा था या ऐसा कुछ आप दोनों के बीच में हुआ था या इनको ऐसा हो सकता है अभी भी ऐसा लगता हो, तब इन्होंने आपको छोड़ा है, ऐसा ये कह रहे हैं। Leave him. I feel so jealous. You are just mine. इनको ऐसा लगता है कि आप शायद किसी के साथ हैं या फिर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि इस पर्सन को ऐसा लगता हो जैसे कि आप किसी के साथ हैं या कि किसी से बात होती है, इनको किसी पे शक हो, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, या आप इन पे करते हैं, ये आप पे करते हैं और जैसे जेलस फील करते हैं ये बहुत ज़्यादा कि इनको ऐसा लगता है जैसे तुम सिर्फ मेरी हो, उसको छोड़ दो। ओके, वन मोर मैसेज। ओके, यूज क्रिस्टल्स टू हील लव लाइफ, स्टे ब्लेस्ड। तो गाइज हो सकता है आपको क्रिस्टल्स यूज़ करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले भी देखा था कि कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हो सकती है, मतलब जैसे कि कोई आपको नज़र लगी हो बहुत ज़्यादा या फिर आपकी लव लाइफ को नज़र लगी हो, तो यहाँ पे फिर से ये क्रिस्टल्स का इंडिकेशन आया है कि आपको क्रिस्टल्स यूज़ करने की ज़रूरत है अपनी लव लाइफ को अच्छा करने के लिए। तो गाइज हो सकता है कि उस चीज़ की आपको ज़रूरत हो एंड मैं क्रिस्टल्स भी प्रोवाइड करती हूँ, अगर आप लेना चाहते हैं अपनी लव लाइफ के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, करियर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, हेल्थ के लिए, तो आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उसके लिए भी। ओके, अब हम यहाँ पर और लव मैसेजेस देखेंगे कि और लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से। बहुत ही सारे लव मैसेजेस गिर गए हैं, लगता है बहुत ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं यहाँ पे क्या है या फिर वो बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं आपसे। मुझे तुम्हारी बातें बहुत याद आती हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे तुम्हारी तुम्हें मैं बहुत मिस करता हूँ, तुम्हारी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है किसी चीज़ की इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो पेरेंट्स की या फिर कोई और फैमिली की, इनकी फैमिली जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ तो है जो कि आपके रिलेशनशिप को रोक रहा है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, आप दोनों जैसे म्यूज़िक के थ्रू बातें करते हो। God will reunite us, भगवान हमको मिलवा कर ही रहेंगे। Okay, I love your eyes, इनको आपकी आँखें बहुत पसंद हैं। Use crystals to heal, oh God, guys आपको बहुत ज़रूरत है यहाँ पे crystals लेने की। यहाँ पे तीनों जगह पे, reading के अंदर,
दोनों मैसेजेस के अंदर आपकी ये क्रिस्टल्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिख रही है, और अब तो ये बहुत अलार्मिंग लग रहा है मुझे कि आपको क्रिस्टल्स लेने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप यूज़ करें क्रिस्टल्स, और क्रिस्टल्स चार्ज हों, एनर्जाइज्ड हों आपके लिए, आपके नाम से, तो ही वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, नहीं तो उसका इतना कोई यूज़ नहीं होता है। इसलिए क्रिस्टल्स वही लें जो कि आपके पर्पस को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है ना। आपको क्रिस्टल्स लेने की बहुत ज़रूरत मुझे यहाँ दिख रही है। ट्रस्ट इशूज़, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशूज़ हो सकते हैं, मे बी आप उन पर विश्वास नहीं कर पाते या वो नहीं कर पाते आप पे। आई डोंट वॉन्ट टू फाइट विद यू माई डार्लिंग, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ माई डार्लिंग। यू डिज़र्व मोर देन वट आई एम एबल टू गिव यू, वो ऐसा बोल रहे हैं कि तुम शायद बहुत ही ज़्यादा डिजर्विंग हो, मैं तुम्हारे काबिल जैसे नहीं हूँ, और मैं तुम्हें वो सब नहीं दे पाता हूँ जिसकी तुम डिजर्विंग हो। हम मिलकर ही रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो गाइज ये आपको बोल रहे हैं कि हम साथ में मिलकर ही रहेंगे, गॉड विल रीयूनाइट अस का भी मैसेज आया है, और उनको ऐसा पूरा विश्वास है जैसे आप दोनों मिलकर ही रहेंगे एक दूसरे से। ओके, योर ब्यूटी एंड ग्रेस कैप्टिवेट्स मी, आपकी खूबसूरती, आपकी ग्रेस, आप जितने ग्रेसफुल हैं, आपकी जो खूबसूरती है वो इनको बहुत ज़्यादा एंटाइसिंग लगती है, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं आप इनको, बहुत खूबसूरत दिखते हैं आप इनको, ये ऐसा कहना चाहते हैं, इनकी मन की फीलिंग्स ऐसी हैं। ओके, आर यू टॉकिंग टू एनी वन एल्स, ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं, क्या तुम किसी और से बातें कर रही हो। और क्या है हमारे पास, विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। हस्बैंड वाइफ मटेरियल हो सकता है आपको, अगर आप लड़की हैं और ये देख रहे हैं तो वाइफ मटेरियल आपको ये मानते हैं, बिल्कुल ही फैमिली ओरिएंटेड हैं आप, जैसे कि आप बिल्कुल वाइफ जैसे इनके साथ बिहेव करती हैं और वाइफ जैसे रहती हैं, तो ये बिल्कुल आपको वाइफ मटेरियल मानते हैं। आई वॉन्ट टू किस यू, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। लास्ट मैसेज यहाँ पे आया है, रिग्रेट, इनको अफसोस है अपनी किसी चीज़ का, किए हुए का अफसोस है, मे बी इन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जिसके बारे में ये बहुत इनको अफसोस होता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग, आई होप यू लाइक इट, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ गाइज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइज़ मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, अगर आप रीडिंग्स लेना चाहते हैं पर्सनल स्लॉट आप बुक करवा सकते हैं, आप मुझे पिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, और यहाँ पे भी नंबर्स फ्लैश हो रहे होंगे, आप उसके ज़रिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गाइस अगर आप टैरो कार्ड या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन रखिए अपना बहुत ख्याल, बाय।